सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार वो स्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में चोर आ गए। अब वो चोर तो आए थे कहीं और चोरी करने, पर पीछे से कोई पकड़ने के लिए आया तो डरते डरते भागे। वो कुटिया दिखी बाबा की तो घुस गए। उसमें गोस्वामी जी बैठे थे, थोड़ा कुछ प्रकाश हो रहा था, कुछ दीपक जल रहा था, कुछ लिख रहे थे। चोरों ने आकर के प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम चोर हैं। असली बात कह दी, हम चोर हैं बाबा, और पीछे से हमारे कुछ लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब हमें भागना है, हमें छुपा लीजिए किसी तरह। तो गोस्वामी जी को लगा कि हमारे राम जी पतित पावन है, और राम जी भी जब कोई शरण में आ जाता है तो उसका त्याग नहीं करते। भले ही ये चोर हैं, पर आए तो मेरी शरण में है, मेरे चरण पकड़ लिए, तो अब मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चोर हैं। तो गोस्वामी जी ने उनको छुपा लिया, रक्षा कर ली। अब वो चारों चोर बोले कि बाबा, हमें सरयू जी के उस पार जाना है, और सरयू जी में जल बहुत अधिक है, बहाव तेज था, तो हम लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं, कैसे क्या होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें युक्ति बतला देता हूं। तो एक चिट्ठी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी और उन चोरों के हाथ में दे दी। कहा, इसको ले जाओ, सरयू मैया तुम्हें रास्ता दे देंगी। वो चिट्ठी हाथ में लेकर के और चोर गए तो सचमुच वहां प्रवाह कम हो गया, और बड़े आराम से वो चारों चोर जो है सरयू जी को पार कर गए। प्रवाह रुक गया, धीमा हो गया, और जल कम हो गया, आराम से निकल गए। अब उस तरफ पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई, महात्मा बड़े सच्चे हैं, हमें पार करवा दिया। एक बार इस चिट्ठी को खोलकर देखें तो कि बाबा ने लिखा क्या है इसमें। तो उन चोरों ने चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें कुछ और नहीं लिखा था, बस उसमें राम 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 लिखा हुआ था। गोस्वामी जी ने सिर्फ राम राम लिखा था। वो लौटकर चोर, अब उन्होंने, अच्छा चोरों ने क्या सोचा कि हमें तो नित्य ही चोरी करने जाना है, तो ये बढ़िया युक्ति मिल गई। अब जब भी सरयू जी में ऐसे जल ज्यादा हो तो बस यही राम राम लिख लेंगे, और जब भी पार होना हो जाएंगे। तो उन लोगों ने अगली बार जब राम राम लिख के पार होना चाहा तो बड़ी कठिनाई से पार हुए। पार तो लग गए, लेकिन बड़ी कठिनाई लगी। तुलसीदास जी के चरणों में आए, बाबा आपने हमें चिट्ठी लिखी थी, हमने देख ली कि आपने उसमें क्या लिखा था, और हमने भी उसमें लिखा, लेकिन हमने लिखा तो हमें तो बड़ी कठिनाई हुई, और ये कोई मंत्र तो है नहीं, कोई बात नहीं, पर आपने कैसे इसके बल पर उतार दिया? वो स्वामी जी के नेत्र भर आए और कहने लगे, भैया जिस राम नाम के बल पर लोग भवसागर से तर जाते हैं, उस राम नाम के बल पर तुम सरयू पार हो जाओ, कौन बड़ी बात है? ये राम नाम तो भवसागर से पार कर देता है, लेकिन तुम चोरी करने के लिए राम नाम का आश्रय लो, ये ठीक नहीं है। फिर वो चारों ही गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य बन गए, और उसी दिन से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, सारे बुरे काम छोड़ दिए।